के अलावा रोहतक में दीपेन हुड्डा अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, खास करके सिरसा सीट की क्या स्थिति है? वहां पर लड़ाई बहुत मानी जा रही थी कि एक सुरक्षित सीट है। रविशंकर प्रसाद को एक बार सुनते हैं, उसके बाद पूजा इस पर डिस्कस करेंगे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि बहुत ही प्रभावी निर्णायक जीत होगी। भारत की जनता नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए को पूरा आशीर्वाद दे रही है। अब देखिए, सामने दिखाई पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में 49 में 80 में 34 एनडीए आगे बढ़ा हुआ है। और देखिए, क्योंकि हम सिरसा की बात करते, पहले रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, पटना साहिब से प्रत्याशी हैं, कभी आगे तो कभी पीछे चल रहे हैं अपनी सीट पर। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे थे हरियाणा की सिरसा की सीट की बात करते हैं। जाहिर तौर पर आरक्षित सीट है, और सिरसा देखिए एक मौके पर आरएलडी के पास रहा करती थी, लेकिन उसके बाद जो चीजें वो बदली, फिर अब अशोक तंवर चुनावी मैदान में इस बार आ गए। लेकिन नेता बदल जाते हैं कैसे? क्योंकि उनकी पार्टी बदल जाती है, और ऐसा ही इस बार भी हुआ। कहां से आए अशोक तंवर? पिछली बार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। अशोक तंवर की जगह भूपेन हुड्डा को कमान दी गई, भूपेन हुड्डा ने चुनावी मोर्चा संभाला, अशोक तंवर पार्टी से किनारे कर दिए गए, दूसरे दल में गए, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, वापस बीजेपी में आए, और बीजेपी ने उनको पहली बार अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाया। और लड़ाई किससे? कुमारी सैलजा से। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, खाटी नेता हैं, छत्तीसगढ़ की प्रभारी रही हैं, और यही माना जा रहा था कि अशोक तंवर के लिए केक वॉक नहीं है, सीधी लड़ाई नहीं है, और वो देखा भी जा रहा है पूजा। और देखिए बड़ी बात, देखिए एक हकीकत ये भी है कि कुमारी सैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, अशोक तंवर की राजनीति पैरेलल चलती रही, और आज जब कुमारी सैलजा वहां पर है तो भूपेंद्र हुड्डा का साथ कितना मिला? क्या कुमारी सैलजा अपने दम पर वहां पर चुनावी मैदान में? दूसरा की अगर की बात करते हैं तो ताल ठोकती इस बार नजर भी आई जेजेपी। बिल्कुल, और इसी बीच एक बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर शिवराज सिंह चौहान 65,000 वोट से आगे हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी अपडेट है कि वो अपनी सीट पर इस वक्त आगे बने हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अपडेट इस वक्त है, ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे बने हुए हैं एमपी की सभी 29 सीटों पर, बीजेपी इस वक्त आगे है, ये बड़ा अपडेट इस वक्त है। देखिए लगातार मध्य प्रदेश से आपको अपडेट दे रहे हैं। बड़ी बात यह कि इस बार अपने बेटे के साथ में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया की पूरी राजनीति बदल गई। वो फैमिली जो आमतौर पर राजा महाराजा की तरह रहा करती थी, इस बार सड़कों पर उतरना पड़ा, पसीना बहाना पड़ा, और ये इसे कहते हैं मेहनत। बीजेपी में एक आम कार्यकर्ता के तौर पर अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्या अपडेट आ लिया? केसरगंज से करण भूषण पीछे हो गए हैं। और केसरगंज बड़ा दिलचस्प हो गया, आयुष ब्रजभूषण का टिकट कटा, बेटे को टिकट मिला, लेकिन कभी आगे तो कभी पीछे। केसरगंज से ब्रजभूषण के बेटे पीछे चल रहे हैं, और बड़ा फैक्टर ये है, ब्रजभूषण ऐसे चुनिंदा नेताओं में से हैं जो तीन अलग अलग लोकसभा चुनाव में तीन अलग अलग लोकसभा सीटों से जीतकर संसद पहुंचे हैं, और एक बड़ा फैक्टर था। लेकिन अगर ब्रजभूषण के बेटे कर्ण भूषण यहां से चुनाव हारते हैं तो ब्रजभूषण की जो पॉलिटिकल लेगेसी है उस पर भी एक प्रश्नचिन्ह होगा। उनके एक बेटे यहीं से सदर सीट से गोंडा से विधायक हैं प्रतीक भूषण, और दूसरे बेटे को उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ाया, अंतिम वक्त तक ये माना जा रहा था कि ब्रजभूषण अपने टिकट के लिए पुश कर रहे हैं। खुद अमित शाह ने उनसे फोन पर बात की, जेपी नड्डा लगातार ये चाह रहे थे कि वो खुद ये बात अनाउंस करें कि उनके परिवार से कोई लड़ेगा, लेकिन अमित शाह के बात करने के बाद यहाँ पर दरअसल ये कर्ण भूषण को टिकट दिया गया, लेकिन यहाँ वो पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। और न सिर्फ कैसरगंज बल्कि बगल की सीट अयोध्या, लल्लू सिंह यहाँ से पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। कई बड़े दिग्गज उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में एक बड़े अरसे बाद ऐसा हुआ है जहाँ बीजेपी को चैलेंज मिलता दिख रहा है। 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में, ये चार चुनाव, दो लोकसभा दो विधानसभा चुनाव और दोनों निगम के चुनाव भी अगर आप पूजा देखें तो बीजेपी ने किसी को मौका नहीं दिया। बीजेपी ने एक बड़े अंतर के साथ, बड़े मार्जिन के साथ ये तमाम चुनाव जीते हैं, लेकिन इस वक्त रुझानों में बीजेपी के लिए देश के सबसे बड़े सूबे में चुनौती मिल रही है। जिस सूबे से पीएम आते हैं, जिस सूबे से बीजेपी के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ आते हैं, वहां पर इंडिया ब्लॉक ने बढ़त बना ली है। और सोचिए स्मृति ईरानी जो सांसद है उनकी सीट पर भी केएल शर्मा लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। पूजा, सहारनपुर की बात करते हैं, इमरान मसूद ने बढ़ाई हुई है, लगातार अपनी बढ़त बनाई हुई है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं तो जिस तरीके से हम आजमगढ़ की तस्वीर को देख रहे हैं वहां पर भी दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा देखिए बात करते हैं अगर मैनपुरी की, कन्नौज की, तो वहां पर समाजवादी पार्टी की इस वक्त स्थिति मजबूत नजर आ रही है। अगर पूजा मुझे इजाजत दे, उत्तर प्रदेश की कौन कौन सीटें हैं जहां इस वक्त समाजवादी पार्टी आगे है? संत कबीर नगर जो गोरखपुर से सटी हुई सीट है, वहां बीजेपी पिछड़ी हुई है, प्रवीण निषाद यहाँ के कैंडिडेट है और निषाद पार्टी के अध्यक्ष के बेटे हैं, वो सीट पर पिछड़े हुए। इसी बीच एक बड़ी खबर पूछ आ रही है। और देखिए लगातार बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यूपी में रुझानों में
बड़े उलटफेर के संकेत इस वक्त है। यूपी की 8 सीटों पर कांग्रेस हो गई है आगे, यूपी की 8 सीटों पर कांग्रेस आगे, समाजवादी पार्टी भी अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए है। तो यूपी में देखिए रुझानों में इस वक्त बड़े उलटफेर। अगर 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 पूछा देखिए, बलिया से नीरज शेखर पीछे है, गाजीपुर से अफजल अंसारी आगे है, इसी के साथ चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे पीछे चल रहे हैं, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल पीछे चल रही है, रॉबर्ट्सगंज से अनुप्रिया पटेल की पार्टी के उम्मीदवार रिंकी कॉल पीछे चल रही है, घोसी से अरविंद राजभर पीछे चल रहे हैं, इसी तरह से कौशाम्बी की जो सुरक्षित सीट है, राजा भैया का प्रभाव यहाँ दिख रहा है क्या, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ से फिर से आगे हो गई है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है भदोही से, ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर कांग्रेस आगे है। उत्तर प्रदेश में लगभग 17 सीटें कांग्रेस पार्टी ने फाइट की थी, कॉन्टेस्ट किया था, और उसमें 8 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है। कांग्रेस का ये प्रदर्शन बेहतर माना जाएगा। भदोही सीट को लेकर भी अपडेट देंगे। AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार यहां से ललितेश प्रति त्रिपाठी उम्मीदवार थे, और इस सीट का समीकरण भी बताएंगे। लेकिन आजमगढ़ से एक चौंकाने वाला नतीजा, क्योंकि अभी तक लगातार धर्मेंद्र यादव पीछे चल रहे हैं, बीच में बढ़त जरूर बनाई थी, और एक ऐसा जिला है पूजा जहां दोनों लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ और लालगंज लगभग 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का एक भी विधायक नहीं है। इसके बावजूद अगर दिनेश लाल यादव आगे चल रहे हैं तो ये बीजेपी के लिए सुखद खबर होगी, कम से कम इस सीट को लेकर। देखिए जाहिर तौर पर आजमगढ़ की बात करते हैं, पिछली बार समाजवादी पार्टी के मुखिया चुनावी मैदान में उतरे भी, जीते भी, दिनेश लाल यादव निरहुआ आगे उपचुनाव में जीत जाते, लेकिन अगर अभी की बात करते हैं तो जिस तरीके से फिलहाल हम तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर उनकी बढ़त लगातार है, तो ये जाहिर तौर पर सुखद है। और जैसा आयुष ने जिक्र किया कि विधानसभा भले ही ना हो लेकिन लोकसभा की सीट अगर निकाल ली तो जाहिर तौर पर यह एक बड़ा झटका इस वक्त होगा। देखिए इसके अलावा अगर पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं, हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो यहां पर बड़ी सुखद तस्वीरें अभी तक बीजेपी के लिए नजर आ रही है। दोनों पहाड़ी राज्यों के अंदर बीजेपी के पास में पूरी की पूरी सीटें हैं, चाहे हिमाचल की 7 सीटों की बात हो चाहे उत्तराखंड की। बड़ी बात यह कि देखिए उत्तराखंड में जो कांग्रेस के बीच में जो देखिए, और बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर, KL शर्मा बढ़त बनाए हुए हैं। स्मृति ईरानी ने पिछली बार लोकसभा चुनाव में एक बड़ा अपसेट किया था, और लोकसभा चुनाव 2019 का सबसे बड़ा अपसेट यही था कि राहुल गांधी परिवार की सीट हार गए थे अमेठी, लेकिन इस बार गांधी फैमिली के विश्वासप्रद KL शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया। वो KL शर्मा जो राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए चुनावी रणनीतिकार थे, दोनों सीटों पर वो मोर्चा संभाले करते थे, लेकिन उस सीट पर वो